अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे बेशुमार खुशियों भरे दिन और पुरसकून रातें नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आज फ्राइडे है और यार ये क्या कह रहा है, इधर आके बताओ, इधर इधर आके बताओ, इधर इधर लाइट नहीं है ना वहाँ पे, इधर आओ भाई, ये कोई बात बताना चाहते हैं आपको। हसन आ जाओ यहाँ, लाइट ऑन करती हूँ ना फिर बताना। हाँ जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं, इधर सामने आए, सामने खड़े होके बताएं। हाँ भाई हसन, अहमद हसन आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? चोची को बेबी आया था। जी हाँ, आज हमारे घर में आई है एक प्यारी सी गुड़िया रानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने रहमत से नवाजा है। जी हाँ, मेरे देवर की जो है वो एक प्यारी सी गुड़िया माशाल्लाह पैदा हुई है। और अतीक साहब एक दफा फिर से ताया अबू बन गए, ताया अब आप ताया अबू से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू। वालेकुम सलाम ताया अबू, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। आपको कैसा फील हो रहा है एक गुड़िया के ताया अबू बन के? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, कुछ 32-33 साल के बाद रहमत आई है। हाँ अल्लाह पाक ने जो ना वो जो मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है ना, उसके बाद अल्लाह ताला ने अब हमारे घर में नेमत से नवाजा, रहमत से नवाजा। और इस तरह से तो माशाल्लाह घूम रही है। हाँ ऐसे ही है माशाल्लाह। तो चले भी मिलवाएंगे आप। आती हूँ यार, यहाँ पे मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी बेटी आ गई है इस दुनिया में। इस बात का अंदाजा मेरी आवाज की जो एक खुशी है ना, उससे लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ मुझे ना लग रहा था कि पता नहीं वो मुझे वीडियो बनाने देंगे, यानी मैं डर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था चले आप अंदर आके बना ले, तो मैंने फिर अंदर जाके बनाया था। नहीं बना सकते कोई बात मैंने कहा मुझे यही ना कह रहे कि क्यों बना रहे हैं। अभी बेबी दिखाऊंगी मैं आपको। जी अंदर आज ओके। अच्छा बेटा अभी रुको, बच्चे 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 वीडियो क्लिप छोटा था आप। अच्छा इधर नहीं बना सकते, ये तो यादगार होते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक यार, पता क्या आप, काफी दिन के बाद दोबारा कैमरा उठाया मैंने व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि जनाब मेरा मोबाइल अहमद हसन ने पानी में डाल दिया था। अभी जो पिछले दिन गुजरे हैं ना, यकीन करें बड़े अजीब से स्ट्रेसफुल गुजरे हैं। और एक मोबाइल इसने ख़राब किया, इसने सारे दूसरे को भी ख़राब कर दिया। और ऊपर से नई बात ये कि जी आज जो है वो नहीं आई आंटी, नहीं आई, और काम मैं खुद ही कर रही हूँ। ये देखें सारा मैंने जो है ना वो झाड़ू लगा लिया है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे मॉप करूँगी। और बच्चों को जो है ना वो नहाने के लिए ना वॉशरूम में छोड़ा हुआ है, लेकिन हर दो मिनट के बाद मैं जा रही हूँ, मतलब इनको मैंने ऐसे नहीं छोड़ा हुआ कि बिल्कुल बेफिक्र होके, और वो वहाँ पे जो है ना वो शॉवर ले रहे हैं। ठीक है, फिर जल्दी से मैंने कहा चले मैं कपड़े निकाल लेती हूँ बच्चों के, और मैंने दिखाती हूँ आपको मैंने जो पिछले ऑनलाइन शॉपिंग की थी उसमें मैंने सारे ड्रेसेस आपको खोल के दिखाने थे, लेकिन मैं नहीं दिखा सकी। जिसमें ना एक ये है, ये पिकाचू वाला ड्रेस है, ये हसन को बड़ा ही ज़्यादा पसंद है, काफ़ी दिन से कहता मामा मुझे ये पहना दे, मैंने कहा चलो पहना देती हूँ आज इसको ये वाला ड्रेस। और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना वो मुझे मिल गई है। और अहमद हसन को यही वाला पहनाती हूँ फिलहाल, इसको मैं नया ड्रेस नहीं पहना रही, क्योंकि भाई ये बच्चा कपड़े बहुत जल्दी ख़राब करता है, तो इसको जो है ना मैं ये पुराने वाला ही पहना रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छी इस्तेमाल मेरी ऑनलाइन जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा है। चलो यार मैं बच्चों को कुछ देख लूँ, पहले मैं मॉप लगा लूँ, उसके बाद बच्चों को जाके एक को शॉवर दे के एक एक को है कोई मेरे 15 बच्चे पहले एक को शॉवर दूंगी फिर दूसरे को शॉवर दूंगी। और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, अब मेरा दिल है कि बच्चों को जब नहला लूँगी ना, फिर 5-10 मिनट के बाद जब मैं फिर एसी ऑन कर दूँगी, बस बच्चे फिर अंदर रूम में ही रहेंगे। अभी तक नाश्ता वगैरह कोई नहीं किया यार, गर्मी इस कदर है ना कि कुछ भी
खाने पीने को दिल ही नहीं चाहता। आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सीन है या सिर्फ हमारे साथ ही है। हालांकि घर पे रहती हूँ सारा दिन, घर में कोई नहीं, इतनी गर्मी का मतलब होता है, इससे सारा दिन चलता है, लेकिन पता नहीं क्या सीन है यार, गर्मी की वजह से मुझसे क्यों नहीं खाना खाया जा रहा, बच्चे भी नहीं खा रहे बिल्कुल भी। और चलें तीक का तो समझ में आता है, बेचारे सारा दिन बाहर ये वो काम में बिजी, मुझे क्या मसला है, मुझसे क्यों नहीं खाया जाता, ना कोई खाना खाया जाता है सही तरीके से, बस ऐसे ही सीन चल रहा है। तो चलें यार फिलहाल जो है वो मैं करती हूँ काम ख़त्म, बर्तन भी साथ साथ मैंने वॉश किए हैं कुछ हद तक, देखिए आती हूँ थोड़ा सा चक्कर लगा के जाती हूँ, थोड़े से बर्तन अभी रहते हैं। और चलें यार काम तमाम करते हैं, सारा काम ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यार मोहब्बत से भरपूर कमेंट तो आप करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू ऑल, वेलकम बैक। बच्चों को जो है वो नहला लिया, यार क्या मसला है यार, दोनों ने ना खूब नहाया एक घंटा, और अब ना खुद भी थक गए, और ये भी कह रहे हैं मामा मुझे हमें नाश्ते में पराठा या कुछ भी नहीं खाना, हमें बस फीड ही दे दो, दूध दे दो, मतलब गर्मी है बच्चे भी कुछ खा पी नहीं रहे। बेटा एक पराठा बनाती हूँ दाल के साथ खा लेना। अमदर्शन आपने क्या खाना है, फीडी पीनी है, ओ सॉरी रोटी खानी है, नहीं भी दूध तो चाहिए उसको, क्या चाहिए अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शाम के 6:15 हो रहे हैं और बाहर ऐसी तूफानी आंधी आ रही है ना, मतलब मौसम में इस कदर ऐसा हो गया जैसे बस शदीद वाला तूफ़ान आने को है। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे, अल्लाह रहमत की बारिश जो वो बरसाएं। और देखिए आज ही मैंने जो ना वो ये कपड़े वॉश किए थे ये, और ऊपर से देखिए अल्लाह ये देखिए ऊपर से दरवाजे बज रहे हैं यार, ये क्या चक्कर है, एक मिनट। और ये देखिए जी आंधी इस कदर तेज़ है, और हमारे घर की जो है वो लाइट जा चुकी है, ये मैंने मोबाइल की ऑन की है, ये देखिए फ्लैश लाइट, वरना जो है वो ये आंधी की मिट्टी उड़ने की आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर ये देखिए मेरा दिल है खिड़की को बंद कर देती हूँ, वो देखें अब बाहर, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे बच्चे बेचारे जाना इस वक्त सहम चुके हैं और मेरे पीछे पीछे हैं, और मैं इनसे यही कहती कि आप दुआ करो अल्लाह पाक जो वो सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस विंडो का भी जो मैं ना वो है वो बंद कर देती हूँ, मिट्टी इस कदर अंदर आ चुकी है ना, ओए ओए बहुत ज़्यादा अंदर आ गई है, बारिश शुरू हो गई है, वैसे ये अच्छा बारिश शुरू हो जाए ना फिर मिट्टी बैठ जाएगी, हंसती जब बारिश शुरू हो जाएगी ना मेरा बेटा, चलो शुक्र है बारिश शुरू हो गई है, ये देखिए पर्दे हटा देते हैं, आंधी भी चलेगी और मिट्टी बैठ गई, अभी आंधी तो है मेरा बेटा, दुआ मांगनी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबको अपने इज्जतमान में रखे। इधर आए ये देखें, शुक्र है कि अब जो ना बारिश साथ आना शुरू हो गई है, और बारिश के आने से ये है कि मिट्टी जो है वो उड़ रही थी वो बैठ जाएगी। और ये देखिए मैं कपड़े जल्दी से उतार लूँ सामने वाले, उई पिछू जो पिछली यार मुझे बहुत डर लगता है, पीछे पीछे बिजली 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 बिजली, हटो 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 हटो, दरवाजा बंद कर दो मेरा बेटा, इधर आ जाओ गुस्सा अहमद हसन, हाँ बहुत डर लग गया मेरा बेटा, बहुत डर लग गया, चल आ जाओ, ये देखिए मेरे बच्चे। चले आप इधर, बस यहाँ से मौसम को देखो आप, ठीक है कि बाहर क्या मौसम हो रहा है, यहाँ से देखो मेरा बेटा, बाहर नहीं जा सकता, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं जल्दी से जो बाहर की तार पे कपड़े वो उतार के आ रही हूँ, ठीक है मेरा बेटा, मेरे पीछे किसी ने भी नहीं आना, ओके okay? ये देखो मैंने आपसे कहा आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, ये देखिए इसको मजा आ रहा है, वो मैंने जब इसको बंद किया था ना इस वाले ग्लास को, उससे पता कि और तब हवा इतनी तेज़ है उसके प्रेशर से ना विंडो पे दबाव आ रहा था, तो मैंने कहा कहीं कुछ
टूट छूट ही ना हो जाए, तो मैंने इसको फिर खोल दिया और कुछ घर के अंदर ऐसे बंद हो गया ना सब कुछ, मैंने बांध के तो हब्स हो गई थी अजीब किस्म की। जी बेटा बोलो। ये देखिए बारिश अंदर आ रही, और ये देखें कि सारी बारिश अंदर आ रही थी, मैंने जो ना वो खिड़की बंद कर दी थी। ओहो, वो डस्टबिन साइड पे करनी थी सारा वो। ये देखिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह पाक इस बारिश को रहमत बनाए हम सब के लिए, हर तरफ अपनी अपनी हिफाजत रखना, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना मेरे अल्लाह। आमीन बोलो दोनों बच्चे। अहमद शनाब भी बोलो आमीन। हसन ये क्या कर रहे हो, इसको नहीं खोलना आपने, बस मैंने ये खोल दिया ना, इसको नहीं खोलना। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आंधी जो है वो रुक चुकी है, मगरिब की अजान होने को है। और ये देखिए, ये देखिए बाहर क्या हाल हो गया, बाहर नीचे नहीं उतरना बहुत पानी है। ये देखिए ये, और अभी इतना साफ सुथरा मैंने इस सहन को किया था, यकीन करें वो कपड़े वॉश करने के बाद, और अभी देखिए क्या हाल हो गया। चले कोई बात नहीं, खैर है वो तो यहाँ पे। देखिए अजान हो रही है, बाहर नीचे बिल्कुल नहीं उतरना, बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरना, ऊपर रहो आप लोग बस। मैंने कहा हसन आपको उधर ही रहना है। बारिश थम चुकी है, नीचे कोई भी नहीं उतरेगा। अच्छा सो जनाब, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यार मोहब्बत से भरपूर एक अदद खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक फ्रेश और एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगबान।